ये देखिए, ये इसकी जानकारी मुझे, ये मोती है शायद, जी हाँ, मोती है। इसकी जानकारी मुझे बहुत ही कम है, नगण्य है। बताइए इसकी क्या, इसकी भी खेती होती है क्या? जी हाँ जी हाँ। कैसे, क्या करते हैं इसका बताइए। हाँ, यह है, हम सीप देख रहे हैं। अच्छा, सीप है। लोग सदियों से, लोग जान रहा है कि समुद्र में ही सीप होता है और समुद्र से ही और मोती हम प्राप्त करते हैं। लेकिन हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके, जांच करके और हमें यहाँ तक पहुँचा दिया कि हम लोग अपने घर में मोती उत्पादन करके और हम आयुर्वेदिक दवा में, ज्वेलरी में, जो तरह तरह के जो काम में आते हैं मोती, वो हम काम में लेते हैं। अच्छा, इसका मतलब कैसे, क्या कैसे लगाते हैं? जैसे हम, जैसे ये सीप है तो हम लोग पहले कलकत्ता से मंगवाते हैं। अच्छा, और आप जाता है क्या? नहीं, ये सीप आता है। सीप ही आता है जी। इसका प्रजनन दर कैसे? हाँ, प्रजनन है। ये सीप स्वतः नहीं पैदा करता है। अच्छा, जब हम पानी में रखते हैं इसको तो यह एक पदार्थ छोड़ता है जिसे मछली ग्रहण करता है, गल्फर वाला मछली। अच्छा, और उसके द्वारा सीप पैदा होता है, तो अपने से प्रजनन नहीं करता। और हम इसको, सीप से मोती निकालने के लिए हम ये देख रहे हैं कि RR पाउडर है। अच्छा, इस पाउडर को हम इस लिक्विड के सहारे हम इस डाई में हम डालते हैं और डाई से हम तैयार करते हैं निकुलियस। अच्छा, पूरा जो है ये सब प्रजनन के लिए करते हैं क्या? जी हाँ, प्रजनन के लिए मोती बनाने का यह तरीका है। अब प्रजनन मछली का क्या प्रक्रम? ये सीप अपना पदार्थ छोड़ता है, उसको मछली ग्रहण करता है। कौन सा पदार्थ होता है, कुछ पता है? वो नेकर नाम का पदार्थ होता है। अच्छा, हाँ। और जब वह छोड़ करके तब वह धीरे धीरे छोटा छोटा अंडा के टाइप का होता है, वह पानी में गिरता हुआ सीप बन जाता है। और वही सीप को हम लोग ऑपरेशन करके और तब इसे हम लोग निकुलियस हुआ। अच्छा, ये हम देख रहे हैं, यह निकुलियस हुआ। अच्छा, यह निकुलियस हुआ। एक तो सीप को काट करके हम निकुलियस बनाते हैं और दूसरा हम लोग इसी का सेल पाउडर है। अच्छा, इसी का सेल पाउडर है और इसके सहारे हम लोग यह डाई में रखते हैं। अब डाई में जैसे ये डाई क्या चीज का बना होता है? इसमें कौन सा पदार्थ होता है? ये तांबा का है। तांबा है। अच्छा, तांबा, पित्तल, कोई भी लोहा, किसी भी चीज को हम बना सकते हैं। और इसी में डिजाइन देते हैं, इसका डिजाइन के लिए जो यहाँ बना हुआ है ना। हाँ, ये जैसे भोला बाबा का डिजाइन है। पहले बताइए कि मार्केटिंग है इसका कितना? बहुत सुपर मार्केटिंग है। ये हम समझें कि पूरे दुनिया में चीन और जापान दो ही ऐसा देश है कि पूरे दुनिया में राज करती है। अच्छा, और हमारे भारत में लगभग जानकारी के मुताबिक 125 लाख करोड़ डॉलर का प्रतिवर्ष आयात होता है भारत में। अच्छा, आयात होता है अन्य देशों से? जी, अन्य देशों नहीं भाई, ये चीन और जापान मात्र दो ऐसा देश है जो कि हमारे भारत में नहीं, पूरे दुनिया पर राज करती है ये मोती के संबंध में। अच्छा, जी। अच्छा, और मेरा तो ये भी, हम जो जैसे काम कर रहे हैं। आपका घर मतलब जो है कहाँ है और कहाँ इसका जो आपका? मेरा नाम रामनाथ सिंह है। मैं सिंघिया घाट टोला शिवनाथपुर प्रखंड विभूतिपुर। जी हाँ, ये बदला गया है, वो बैच दूसरे आदमी का मिस्टेक से आ गया है। अच्छा, और यहाँ पर चूंकि पालन करना है। हाँ। तो ये कहाँ पे आपका घर है? इसका मेरा घर प्रखंड विभूतिपुर हुआ। अच्छा, टोला शिवनाथपुर हुआ, सिंघिया घाट पंचायत हुआ, सिंघिया बुजुर्ग पंचायत। कितना दूर में इसका लगा? मात्र एक कट्ठा में लगाए हुए हैं। एक कट्ठा कितना लगभग उत्पादन कमाए हो? अब तक हमने 2.5 लाख रुपया कमाया है, जबकि मैंने गिफ्ट में भी कुछ बांटा है।